मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। आईपीएल के 10वें संस्करण में कोलकाता नाइट राइडर्स का आखिरी लीग मैच मुंबई इंडियंस से हुआ, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ये मैच हार गया। वहीं कोलकाता के फैंस को शाहरुख खान ने एक क्यूट सा सरप्राइज दे दिया। आपको बता दें कि इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस उसकी हार से दुखी होते और गम के बादल उन पर मंडराते। उससे पहले ही शाहरुख खान के 3 साल के बेटे अब्राम ने सभी दर्शकों को अपनी क्यूट हरकतों से बिल्कुल अपना दीवाना बना दिया और मैदान में खड़े सब दर्शकों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ला दी। दरअसल ये वाकया था कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए आखिरी लीग मैच का। कोलकाता नाइट राइडर्स ये मैच हार गया और इससे पहले कि दर्शक मैदान को खाली करते, शाहरुख खान ने अपने 3 साल के बेटे अब्राम के साथ मैदान पर दौड़ लगानी शुरू कर दी। इसे देखकर सभी दर्शक अपनी सीट से चिपके ही रह गए, क्योंकि कोई क्यूट से अब्राम की ये दौड़ मिस नहीं करना चाहता था। आपको बता दें कि ये पहली बार था जब कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर शाहरुख खान ने अपनी टीम का मैच देखा हो इस संस्करण में, यानी कि आईपीएल 10 में ये पहली बार था जब शाहरुख खान अपने क्यूट से बेटे अब्राम के साथ मैच देखने के लिए मैदान पर गए हों। गौरतलब है कि भले ही कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई से अपना आखिरी लीग मैच हार गया हो, लेकिन बावजूद इसके वो आईपीएल के 10वें संस्करण के इस प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली 4थी टीम बन गई है। कोलकाता से पहले प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली मुंबई इंडियंस नंबर 1 पर है, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स दूसरे नंबर पर, तो सनराइजर्स हैदराबाद जो डिफेंडिंग चैंपियन है तीसरे नंबर पर है। इसके बाद कोलकाता की बारी आती है। अब देखना यह होगा कि इन 4 महामुकाबलों के बीच में कौन जीता है आईपीएल 10 का ये खिताब। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड की बाकी गॉसिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट।